नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देश्वा। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के द्वारा गौ माता की सुरक्षा और गोबर के महत्व को कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने की मंशा को लेकर पिछले वर्ष गौधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति भी हुई थी, मगर आज की स्थिति में यह योजना विफल साबित होती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही खस्ताहाल में गंडई तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिलगुड़ा का गौठान है, जो महज साल के ही अंदर कबाड़ की स्थिति में नजर आ रहा है। इस गौठान निर्माण में लाखों रुपये खर्च किए गए हैं, मगर आज स्थिति यह गौठान बंदरबाट नजर आ रहा है। गौठान निर्माण खर्च की लागत राशि सब की जानकारी के लिए नागरिक सूचना पटल लगाया जाता है, मगर इस गौठान में सूचना पटल भी गायब है। ना ही गौठान में घेरा का व्यवस्था है। वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए बनाई गई टंकियों में भी पूरी दरार और जर्जर स्थिति में आ गई है। ग्राम पंचायत चिलगुड़ा गौठान के समीप 6 लाख रुपये की लागत से महिला शेड बनाया गया है, जो भवन में जगह जगह दरार नजर आ रही है। आपको बता दें कि सूचना पटल के हिसाब से इन भवनों को बने महज 1 साल ही हुआ है और जगह जगह दरार आनी कहीं ना कहीं कार्य में गुणवत्ता की कमी के कारण है। ग्रामीण इस पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। देखिए रवि रजक की एक खास रिपोर्ट।